बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी और आसान रेसिपी बीफ एंड पोटैटो कबाब बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे बॉइल्ड और मोटे मोटे मैश किए हुए आलू 1 किलो, और बीफ चाहिए होगा 750 ग्राम, मक्खन 2 टेबलस्पून। अगर आप तेल या घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश कुटी काली मिर्चें 1 टेबलस्पून, गर्म मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत और 10 अदद बारीक कटी हरी मिर्चें, पिसा अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून और साबुत लहसुन के जगह 5 अदद, और 1 अदद चिकन क्यूब और 2 अदद फिटे हुए अंडे, और इनमें आप थोड़ा सा नमक डालकर रख लीजिएगा। सबसे पहले आप एक बर्तन में गोश्त डालकर पकने के लिए चढ़ा दें। और इसमें आप पानी, मक्खन, लहसुन के जवे और चिकन क्यूब डालकर इतना पकाइए कि गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। और जब पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए तो आप इसमें अदरक लहसुन डालकर अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह भूनने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें और इसमें डाल दें गरम मसाला पाउडर, नमक, कुटी काली मिर्चें और हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद आप गोश्त को ठंडा कर लीजिए और चॉपर में डालकर पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इन्हें आलुओं में मिक्स कर लें। इसके बाद आप बीफ और पोटैटोज को अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इस तरह से इसके कबाब बना लें। इस तरह से सारे कबाब बनाने के बाद आप तेल गरम कर लें और इन कबाबों को अंडे में डिप करें और फ्राई करते जाएं। और इस तरह से आप गोल्डन ब्राउन करके निकालते जाएं और बाकी कबाब भी इसी तरह से फ्राई कर लें। लीजिए, बहुत मज़ेदार बीफ एंड पोटैटो कबाब तैयार हैं, ज़रूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीसे पाक इस तरह से है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के दरवाज़ों में एक ख़ास दरवाज़ा है जिसको बाबुर रयान कहा जाता है। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ादारों का दाखिला होगा, इनके सिवा कोई इस दरवाज़े से दाखिल नहीं हो सकेगा। इस दिन पुकारा जाएगा कि किधर हैं वो बंदे जो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा करते थे
और भूख प्यास की तकलीफ उठाया करते थे, वो इस पुकार पर चल पड़ेंगे। इनके सिवा किसी और का इस दरवाजे से दाखला नहीं हो सकेगा। जब रोजादार इस दरवाजे से जन्नत में पहुंच जाएंगे तो ये दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर किसी का इससे दाखला नहीं हो सकेगा। जैसा कि कुराने पाक में अल्लाह ताला का इरशादे पाक है, मुत्तकी लोगों को ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, यहां तक कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो जन्नत के दरवाजे खोले जा चुके होंगे। जन्नत के खाजान यानी फरिश्ते इनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।